हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद शर्मा फिर से वेलकम करता हूं आपको ब्रेन साइंस यानी दिमाग की दुनिया में। आज का हमारा टॉपिक है शेप मेथड। नाम से पता लग रहा है शेप। ये टॉपिक आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, पॉइंट वाले आंसर, बीच बीच में किसी भी पॉइंट पर क्या लिखा है, यानी किसी भी क्वेश्चन के 20 पॉइंट के आंसर को शुरू से एंड तक कहीं से भी कुछ भी पूछें याद करा सकता है। देखिए, मेरे पीछे एक लिस्ट है। ये लिस्ट है इंडिया के सारे प्रेसिडेंट्स की, यानी भारत में ये सारे प्रेसिडेंट्स अपने अपने कार्यकाल में आए हैं। हमारा मकसद है शेप मेथड की मदद से इन सारे प्रेसिडेंट्स को इसी ऑर्डर में याद करना कि कहीं से कुछ भी पूछें आपको वो याद रहे। यानी आपको अगर पूछा जाए बताइए 4 पे क्या है, तो आपके मुंह से अपने आप निकल जाए वीवी गिरी। अगर आपसे पूछा जाए 15 पे क्या है, तो आपके मुंह से अपने आप निकल जाए कि ये प्रतिभा पाटिल। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 14 पे क्या है, तो अपने आप कहें कि एपीजे अब्दुल कलाम। अगर आपसे कहा जाए कि 9 पे क्या है, तो अपने आप बताएं नीलम संजीव रेड्डी। पर ये कैसे पॉसिबल होगा? तो इसके लिए आपका जो सहारा बनेगा वो बनेगा एक पावरफुल मेथड, शेप मेथड। अगली स्लाइड में आप देखिए, यहां पर देख पा रहे हैं आप, यहां पर एक नंबरिंग लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 20 तक नंबर्स लिखे हैं और उनके साथ एक पिक्चर जुड़ा हुआ है जो एक खास शेप है। शेप मेथड का बेसिक है कि हर नंबर का अपना एक शेप होता है। जैसे 1 है, 1 का शेप कैसा होता है? स्टिक जैसा, हमने लिखा भी है यहां पर। आपको बिल्कुल इन कोड्स को ध्यान रखना, ये कोड्स हैं। 1 का शेप स्टिक। 2 का शेप कैसा होता है बना के देख सकते हैं आप। 2 का शेप डक से मिलता जुलता होता है, ऐसे 2 बनाइए उसमें आपको डक दिखाई देगा। 3 का शेप हार्ट जैसा होता है, 3 के अगर दोनों एज को आप मिला देंगे तो हार्ट दिखाई देगा आपको। 4 का शेप, आप 4 लिखें इसको उल्टा कर देंगे तो चेयर जैसा नजर आएगा आपको। 5 का शेप हुक की तरह दिखाई देगा। 6 का शेप आपको नजर आएगा एक हॉकी स्टिक की तरह। 7 आपको नजर आता है, देखिए एक लैंप पोस्ट, आपके घर के बाहर कोई खंबा जिसमें ट्यूबलाइट लगी हो या बल्ब लगाओ, ऐसा एक लैंप पोस्ट आपको 7 में नजर आएगा। और 8 का शेप आप ध्यान से देखेंगे तो आपको चश्मा दिखाई देगा, 8 का शेप चश्मे जैसा होता है, देखिए। और 9 का शेप लॉलीपॉप की तरह आपको नजर आएगा, यानी लॉलीपॉप में आप 9 या 9 में आप लॉलीपॉप विजुअलाइज कर सकते हैं। 10 का शेप ध्यान से देखिए, 1 और 0, 1 मेरे लिए हो सकता है बैट और 0 हो सकता है बॉल, यानी बैट बॉल। 11 का शेप आप ध्यान से देखिए, आप 11 लिखिए और बीच में 4 डॉट लगाएंगे तो आपको एक रोड दिखाई देगा, यानी 11 में आपको एक सड़क का पिक्चर नजर आना चाहिए। 12 का शेप अगर आप ढंग से देखें तो आप इस तरह से बनाइए, 1 को नीचे की तरफ रखिए और 2 को उसके ऊपर रखिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको कैप नजर आएगी, पहनने वाली कैप। आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप बना पाएंगे 12, यानी कैप। ये आपको शेप के कोड में याद रखना है। 13 आप देखिए, 1 लिखिए और 3 लिखिए। अब इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो ये बटरफ्लाई की तरह नजर आएगा, यानी 13 आपके लिए एक बटरफ्लाई। 14 में कुछ मत कीजिए, 1 को नीचे की तरफ रख दीजिए और 4 को ऊपर लगा दीजिए, इस तरह से आपको एक बोट नजर आएगी, सेलिंग बोट। 15 को थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा करना पड़ेगा, 1 लिखिए और बिल्कुल सटा के साथ में 5 लिखिए, इससे आपको एक सिगार पाइप नजर आएगा या सितार नजर आएगा। 16 में आप पहले 1 लिख लीजिए और फिर 6 को साथ में जोड़ लीजिए, अब आपको ये हाथी की सूंड जैसा दिखाई देगा, इट इज एलिफेंट ट्रंक। अब हाथी की सूंड तो अकेली आती नहीं है, जब हम हाथी की सूंड को सोचते हैं तो हमें पूरा हाथी नजर आ जाता है, यानी 16 का इमेज आपका एलिफेंट हो सकता है। 17 बड़ा ही टेस्टी हो सकता है, 1 लिखिए साथ में 7 को जोड़ दीजिए उससे, तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगा जो कि सैंडविच की तरह नजर आ सकता है। यानी जब भी आप लाइफ में कभी सैंडविच देखें आपको 17 दिखना चाहिए, और जब भी कभी आप 17 लिखें आपको सैंडविच याद आना चाहिए शेप मेथड के कोड के तौर पर। 18 नजर आप देखिए, 1 लिखें साथ में 8 लिखें, तो ये आपको एक सैंड टाइमर, एक सैंड क्लॉक की तरह नजर आएगा, वो जो मिट्टी वाला सैंड टाइमर होता है ना, जिसमें ऊपर मिट्टी भरी होती है और धीरे धीरे नीचे की तरफ जाती है। 19 आपको एक बार गौर से देखना पड़ेगा तब आपको नजर आएगा, 1 लिखिए बिल्कुल सटा के पास में 9 लिख दीजिए, ऐसे आपको 9 और उसकी 2 एजेस नजर आ जाएंगी। और ये क्या चीज है, आपके जियोमेट्री बॉक्स के अंदर कंपस ऐसा का ऐसा होता है, यानी 19 में आपको कंपस नजर आना चाहिए। और 20 में थोड़ा जोर आप दिमाग पर डालेंगे तो नजर आएगा, ध्यान से देखिए 2 लिख लीजिए बड़ा सा और पीछे की तरफ एक 0 लगा लीजिए। अभी जो बड़ा सा 2 है स्ट्रक्चर में एक स्कूटर की तरह नजर आएगा, अगर आप इसकी लाइट बना दें, नीचे पहिए बना दें, तो पूरा स्कूटर बन जाएगा, और 20 हमारा कोड बन सकता है स्कूटर।
पहले आप यहां पर इस वीडियो को रोक करके प्रैक्टिस कर लीजिए. वन, क्या नजर आया? स्टिक. टू, कैसा दिखाई दिया? डक. थ्री, कैसा नजर आया? हार्ट. फोर, चेयर. फाइव, हुक. सिक्स, हॉकी स्टिक. सेवन, लैंप पोस्ट. एट, चश्मा. नाइन, लॉलीपॉप. टेन, बैट बॉल. इलेवन, रोड. ट्वेल्व, कैप. थर्टीन, बटरफ्लाई. फोर्टीन कैसा लग रहा है आपको? बोट. फिफ्टीन, सिगार पाइप या सितार. सिक्सटीन, एलिफेंट ट्रंक. सेवनटीन, सैंडविच. एटीन आपके लिए हो गया सेंटाइमर. 19 कंपास और 20 स्कूटर. तो दोस्तों, हमने शेप्स के कोड याद कर लिए. अब इसका प्रैक्टिकल यूज करते हैं हम इन प्रेसिडेंट्स की लिस्ट को याद करने के लिए. देखिए, हमारा मकसद है नामों को याद करना. तो हमें पीएमएस लगाने के लिए पहले नाम में से एक पिक्चर निकालना होता है और उसके बाद में जो हमने नंबर्स के कोड तैयार किए उनके शेप के आधार पर उन्हें उससे एसोसिएट करना होता है. हमारा डिस्क्लेमर ये है कि हमारा उद्देश्य किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है. सिर्फ और सिर्फ नामों से मिलते जुलते नामों को हम रेफरेंस इमेज और रेफरेंस स्टोरी की तरह यूज करते हैं. यही ब्रेन साइंस है. इसीलिए इसे हमेशा एक पढ़ाई का एक मेथड की तरह और एक पॉजिटिव वे में लिया जाना चाहिए. चलिए दोस्तों, याद करना स्टार्ट करते हैं. यहाँ मेरे पीछे बहुत सारे प्रेसिडेंट्स लिखे हुए हैं. टोटल अब तक जितने प्रेसिडेंट्स यहाँ पर आए हैं, करीब 17 प्रेसिडेंट्स अभी तक टोटल हमारे पास हमारे इंडिया में हमें मिले हैं. एक से लेकर के 17 प्रेसिडेंट को कैसे इस सीक्वेंस में, इस पर्टिकुलर ऑर्डर में याद करें, इसके लिए हम हेल्प लेंगे. हमने अभी जो शेप कोड याद किए उनका, पहला है हमारा वन स्टिक और हमारे पहले प्रेसिडेंट है राजेंद्र प्रसाद जी. अब हमें कैसे याद करना है श्री राजेंद्र प्रसाद का नाम? राजेंद्र प्रसाद राजा का प्रसाद. इमेजिन करिए, आप राजा के पास जाते हो कि राजा प्रसाद दो और राजा आपको बदले में बहुत सारे स्टिक मार देता है. राजा का प्रसाद है, उसके हाथ में बड़ा सा डंडा. अगर गलती से भी मांग लिया तो समझ लीजिए कि बहुत कुछ हो सकता है. दूसरा है हमारा स्कोर जो है वो है डक. और हमारे सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन. इसका इमेज मेरे दिमाग में क्या आ सकता है? राधा कृष्णन से क्या बन सकता है ब्रेन में? राधा कृष्ण भगवान. इमेजिन करिए कि राधा कृष्ण भगवान बतख पर बैठ करके एक नदी में विचरण कर रहे हैं, नदी में घूम रहे हैं. दे आर रोमिंग अराउंड द रिवर. और किस पे बैठे हैं? वो बतख पे बैठे हैं, बतख की सवारी कर रहे हैं. वाह. तीसरा हमारा जो कोड है वो है 3, यानी के हमारा कोड है हार्ट. और तीसरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन. डॉक्टर जाकिर हुसैन हम कैसे याद करेंगे? जाकिर हुसैन बोलते ही मेरे दिमाग में आता है एक और जाकिर हुसैन जो बड़े फेमस है, तबला वादक जाकिर हुसैन. तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि जाकिर हुसैन साहब तबला बजा रहे हैं और वो तबला हार्ट शेप का है, दिल को बजा रहे हैं. वो दिल के गाने पर दिल शेप का तबला जाकिर हुसैन साहब बजा रहे हैं. बस आपको ये याद रखना है. हमारे चौथे प्रेसिडेंट है वी गिरी साहब. कैसे याद करेंगे? थोड़ा सा रिडिकुलस है. इमेजिन करिए कि राष्ट्रपति जी की बीवी गिरी, कहां से? चेयर से, क्योंकि चेयर का एक टांग टूटा हुआ था. तो राष्ट्रपति जी की बीवी गिरी तो याद आ जाएगा चेयर से, यानी कि 4 और वीवी गिरी. अब 5, यानी पांचवें नंबर पर हमारा कोड आता है हुक. याद करिए 5 हुक. और हमारे पांचवे प्रेसिडेंट हैं न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला. कैसे याद करेंगे? इस नाम को ध्यान से देखते हैं. न्यायमूर्ति, न्याय की मूर्ति. हमने कोर्ट में देखी न्यायमूर्ति होती है, न्याय की मूर्ति, आंखों पर पट्टी बंधी होती है. उनके हाथ में एक तराजू होता है. इमेजिन कीजिए उसके हाथ में एक हुक है, हुक, और उस हुक से एक तराजू जुड़ा हुआ है. और वो न्यायमूर्ति ये कह रही है कि मोहम्मद साहब की हिदायत है कि अल्लाह की नजर में इंसाफ सबसे आगे है और अल्लाह की नजर में सब बराबर है. ये न्यायमूर्ति के हाथ में जो हुक से लगा हुआ तराजू है उससे उस पर रखी हुई बात है. फिर से बताता हूं, न्यायमूर्ति हाथ में हुक, हुक के अंदर तराजू, तराजू के अंदर एक किताब रखी जिस पर लिखा है मोहम्मद साहब की हिदायत कि अल्लाह की नजर में सब बराबर हैं और इंसाफ सबसे आगे है. अब देखिए इस नाम से क्या याद हुआ? न्यायमूर्ति मोहम्मद साहब, यानी न्यायमूर्ति मोहम्मद, हिदायत उल्लाह से हम याद कर सकते हैं अल्लाह. तो इस तरह से ये पूरा नाम न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये हमें याद रह सकता है. हमारा उद्देश्य सिर्फ नाम को याद करना है,
किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है, बस ये आपको पॉजिटिव वे में लेना है। हम नामों से मिलते जुलते रेफरेंस को यूज करते हैं और हुक से आप याद कर पाएंगे कि पांचवें नंबर के प्रेसिडेंट है वो। छठे नंबर के प्रेसिडेंट कौन है हमारे? सिक्स था हमारा कोड हॉकी स्टिक। इमेजिन करो वो जो बीवी गिरी थी चेयर से, उसे आपने हॉकी स्टिक दी उठने के लिए और उसको पकड़ के वो उठ रही है और आपको थैंक यू कह रही है। तो हॉकी स्टिक से बीवी जो गिरी वो फिर से उठ गई, राइट? तो आपको याद रहेगा सिक्स यानी हॉकी स्टिक और उससे याद आएगा आपको वीवी गिरी, यानी हमारे छठे प्रेसिडेंट है वापस से वीवी गिरी साहब। सेवंथ प्रेसिडेंट है फखरुद्दीन अली अहमद। याद कैसे करेंगे? सेवन हमारा कोड था लैंप पोस्ट। इमेजिन करिए कि आपके घर के बाहर एक लैंप पोस्ट है, उसके जस्ट नीचे एक फकीर बैठा है जिसका नाम अली है, बस आपको ये याद रखना है। तो ये पूरा नाम आपको याद आएगा फखरुद्दीन, फकीर से फखरुद्दीन, अली उसका नाम है और वो ये कह रहा है कि आप उन्हें कुछ दे दीजिए, तो आप उन्हें कुछ पैसे भी उनको दे रहे हैं और वो जस्ट आपके लैंप पोस्ट के नीचे बैठता है आपके घर के बाहर, हमेशा बैठा रहता है, बस आपको ये याद रखना। एट था हमारा जो कोड था एट चश्मा, और प्रेसिडेंट आठवें नंबर के हैं बीडी जत्ती। याद कैसे करेंगे? बीडी जत्ती मिलता जुलता नाम बीडी जली। बीडी जली किससे? चश्मे से। इमेजिन करो कि आपने चश्मा लिया, बीडी को धूप में रखा और चश्मे को लेंस की तरह यूज किया, जिससे उस पर जो फोकस हुआ उससे अपने आप बीड़ी वो जलने लगी। ऐसा एक्सपेरिमेंट आपने करके देखा, बीड़ी जली चश्मे के लेंस से। 9 लॉलीपॉप। इमेजिन करो आपके लॉलीपॉप से आपको क्या याद रखना है? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम नीला, लॉलीपॉप है नीले रंग की, संजीव कुमार साहब शोले में, रेडी हो रहे हैं। संजीव कुमार साहब रेडी होते ही एक नीले रंग की लॉलीपॉप खाते हैं, वो तैयार होते हैं और फिर एक नीले रंग की लॉलीपॉप खाते हैं, फिर वो कहते हैं आई एम रेडी। तो नीलम संजीव रेड्डी और बिकॉज ऑफ दी नीली लॉलीपॉप, तो लॉलीपॉप से 9 नंबर आपको याद रहेगा। 10 1 और 0 बैट बॉल। अब 10 नंबर से क्या याद करना है हमें? 10वें प्रेसिडेंट है ज्ञानी जेल सिंह। इमेजिन करो कि जितने भी ज्ञानी लोग हैं अगर वो बैट बॉल खेलेंगे तो उन्हें जेल हो जाएगी और उन्हें जेल में ही खेलना पड़ेगा। तो ज्ञानी व्यक्ति बैट बॉल खेलता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, ये इसके अलग इमेजिनेशन है, इसको इमेजिन करिए। तो 10 नंबर बैट बॉल ज्ञानी जेल सिंह, इससे याद आ जाएगा। 11 रोड, प्रेसिडेंट का नाम है 11th नंबर पे आर वेंकट रमन। तो वेंकट रमन ढंग से देखिए, इसको आप तीन पार्ट करते हैं, वैन कट राम। इमेजिन करो रोड के ऊपर एक वैन जा रही है, वो वैन अचानक रुक जाती है और बीच में से कट जाती है और अंदर से राम भगवान निकलते हैं जो इस वैन को चला रहे थे, राइट? बस इसको आपको ऐसे याद रखना है कि वैन जो रोड पे आ रही थी अचानक से रुक गई, बीच में से कट गई और अंदर से राम भगवान निकले, उन्हें दर्शन दिए। 11 नंबर रोड। 12 नंबर कैप। 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है श्री शंकर दयाल शर्मा। इमेजिन करिए शंकर भगवान, आपने शंकर भगवान को बोला आप सर मैं आप भगवान मैं आपके लिए कैप लाया हूं और भगवान ने आपका मन रखने के लिए कैप पहन लिया। इमेजिन करो शंकर भगवान आपकी दी हुई कैप पहन रहे हैं और कैप पहन के वो शर्मा गए, तो शंकर दयाल शर्मा। 13 नंबर के प्रेसिडेंट कौन है? 13 नंबर के प्रेसिडेंट है K.R. नारायणन और 13 कोड है हमारा बटरफ्लाई। इमेजिन करो नारायणन, इस नाम से मुझे याद आता है नारायण यानी नारद मुनि। इमेजिन करो नारद मुनि की बॉडी पर बहुत सारी तितलियां चिपक गई है और वो हटाने के लिए बोल रहे हैं नारायण नारायण नारायण, और 13 नंबर यानी तितली और नारायण से याद आएगा आपको K.R. नारायणन। तो 13th प्रेसिडेंट हो गए हमारे राष्ट्रपति K.R. नारायणन। 14th प्रेसिडेंट, 14th था हमारा बोट और प्रेसिडेंट का नाम है राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम। इमेजिन करो कलाम साहब, डॉक्टर कलाम बोट में बैठकर जा रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं मिसाइल मैन, अब मैं बहुत दिनों तक बोट में बैठा रहूंगा, झील में बोट है, बोट में APJ कलाम साहब बैठे हुए। अगले प्रेसिडेंट है 15th नंबर के और 15 का कोड है हमारा सितार, सिगार पाइप भी हो सकता है पर मैंने सितार जैसा शेप लिया है उसका। और 15th प्रेसिडेंट है हमारी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा पाटिल और 15 नंबर को कैसे जोड़ेंगे हम? इमेजिन करिए राष्ट्रपति भवन में श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी हमेशा सितार बजाती रहती है, सितार हमेशा उनके पास एक सितार रहता है, वो सितार बजाती है। प्रतिभा पाटिल में इतनी प्रतिभा है सितार बजाने की। 16 नंबर,
16 नंबर हमारा कोड था एलिफेंट ट्रंक यानी हाथी हमें दिखाई देगा और 16 नंबर के प्रेसिडेंट है प्रणब मुखर्जी। इमेजिन करिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जब भी राष्ट्रपति भवन आते हैं हाथी पे बैठ के आते हैं, हमेशा हाथी पे बैठ रहते हैं। हाथी पे कौन? राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। और 17 अभी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद, राम कोविंद याद कैसे करेंगे? राम कोविंद, राम कोविंद, राम गोविंद, हम ऐसे लेते दो भाई है राम गोविंद। तो इस बार हमारा प्रेसिडेंट एक नहीं दो भाई एक साथ हमारे प्रेसिडेंट है राम और गोविंद। और उनकी मम्मी जब भी वो सुबह राष्ट्रपति भवन पे निकलते हैं टिफिन में सैंडविच भर के देती है, वो सिर्फ सैंडविच खा के आते हैं और हमेशा सैंडविच ही खाते हैं। राम भी और गोविंद भी ये दोनों भाई एक साथ प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति भवन में एक साथ रहते हैं और एक दूसरे से सैंडविच छीन के खाते हैं, राइट। तो अभी हमने ये 17 प्रेसिडेंट की लिस्ट याद की। अब इस वीडियो को यहां रोकना है और आपको सिर्फ कोड्स पे जाना है और कोड के हिसाब से अपने किसी फ्रेंड मम्मी पापा या अगर आप ट्रेनर हैं तो अपने किसी भी दूसरे साथी को सुनाना है कि आप मुझसे पूछिए जैसे मैं आपसे पूछता हूं। मैं फिर से कोड आपके सामने लाता हूं, अब वो नाम सारे हट चुके हैं सिर्फ कोड आपके सामने है। अब आपके सामने है वन स्टिक, क्या याद आ रहा आपको? स्टिक कौन दे रहा था? राजा का प्रसाद, याद आया आपको? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। टू डक, डक से क्या याद आ रहा? डक पे कौन जा रहा था? याद आया आपको? राधा कृष्ण भगवान यानी सर्वपल्ली राधा कृष्णन। दूसरे नंबर पे थ्री हार्ट, हार्ट से कुछ याद है? हार्ट शेप का कुछ था, तबला था, कौन बजा रहा था? जाकिर हुसैन। तो यस दैट इज द प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन। फोर्थ नंबर के प्रेसिडेंट कौन है? फोर्थ पे देखिए कोड क्या बना हुआ है, चेयर, चेयर से कुछ याद आया? बीवी गिरी, तो वीवी गिरी इज द प्रेसिडेंट। ओके फाइव हुक, हुक से कुछ याद आ रहा? हुक किसके हाथ में है? न्यायमूर्ति के हाथ में, तो आपको याद आ जाएगा न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला। सिक्स हॉकी स्टिक, कुछ याद आया? हॉकी स्टिक आपने किस में यूज की थी? वो जो बीवी गिरी थी उसको उठाने में, यानी अगेन सिक्स प्रेसिडेंट इज वीवी गिरी। सेवन लैम्पोस, लैम्पोस के नीचे कौन है? कुछ दिखाई दे रहा है आपको? मुझे यकीन है कि आपको एक फकीर नजर आ रहा है, तो हमारे प्रेसिडेंट इस कोड से पकड़ में आ जाएंगे, प्रेसिडेंट इज फखरुद्दीन अली अहमद। एट नंबर चश्मा, चश्मे से कुछ याद आ रहा है? बीडी जली, तो दैट इज द प्रेसिडेंट बीडी जत्ती। नाइन लॉलीपॉप, नीले रंग की लॉलीपॉप, कुछ दिखाई दे रहा है? नीलम संजीवा रेड्डी। अगर आपको याद आ गया तो आपका मेमोरी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है और ट्रेनिंग हो रही है आपके मेमोरी की। टेन बैट बॉल, बैट बॉल बोलते कुछ याद आ रहा है कि कौन सा बैट बॉल की बात कर रहे हैं? कौन खेलता है बैट बॉल तो जेल हो जाती है? ज्ञानी खेलते हैं तो याद आना चाहिए, ज्ञानी जेल सिंह। 11 रोड, रोड पर दिखा, ध्यान दीजिए रोड पर क्या था? रोड पर एक वैन आ रही थी, फिर क्या हुआ? वो वैन कट गई, फिर कौन निकला? राम भगवान। बस इस नाम से याद रख लीजिए 11 यानी आर वेंकट रमन। 12 कैप था, कैप किसको दी थी आपने? याद कीजिए आपने दी थी कैप एक भगवान को, कौन से भगवान को? शंकर भगवान को, और उसके बाद शर्मा गए, तो 12 नंबर के प्रेसिडेंट होंगे शंकर दयाल शर्मा। 13 पर आपको बटरफ्लाई दिखाई दे गया, तो अब आपको जरूर याद आएगा कि बटरफ्लाई नारद मुनि की बॉडी पर चिपक गई थी और वो नारायण नारायण कह रहे थे, तो प्रेसिडेंट नेम इज के आर नारायण 13 नंबर के। 14 में आपको बोट दिखाई दे रहा है, जैसे ही मैंने कहा बोट मैं दावे से कह सकता हूं आपके दिमाग में आ गया है राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 15 मैंने सितार कहा, बस इतना मैंने कहा, तो कुछ याद आ रहा है आपको? आई एम श्योर दैट यू आर एबल टू रिकलेक्ट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और अगर मैं 16 कहता हूं तो एलिफेंट ट्रंक मुझे दिखाई देता है, यहां बना हुआ भी है। अब बताइए एलिफेंट से कुछ याद आ रहा है आपको? आई एम डैम श्योर दैट यू आर एबल टू रिकलेक्ट द नेम ऑफ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 17 सैंडविच, सैंडविच कौन खाते हैं? दो भाई, नाम बताइए, आपको याद आ जाएगा राम और गोविंद, जिससे आपको याद रहेगा रामनाथ कोविंद जो कि हमारे अभी वर्तमान प्रेसिडेंट हैं। तो मैंने एक मेथड यूज किया नंबर से, अब आपको याद है। एक और टेस्ट आप ले सकते हो, बताऊं कैसे? अगर मैं पूछता हूं, अब बीच में से पूछते हैं आपसे, बताइए फिफ्थ नंबर पे कौन से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है? फाइव से हुक, हुक से कुछ याद आएगा आपको? आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, यानी पांचवें प्रेसिडेंट आप बता पाओगे। अगर मैं कहता हूं बताइए 14 पे कौन है, 14 बोट, आई एम डैम श्योर कि आपके दिमाग में आ रहा होगा एपीजे कलाम साहब। अगर मैं पूछता हूं बताइए 8 नंबर के प्रेसिडेंट कौन थे? 8 चश्मा, क्या याद आया आपको? आई एम डैम श्योर दैट आपके दिमाग में आ रहा है बीडी जत्ती। यानी आप इसे पूरा ऊपर से नीचे याद कर चुके हैं, उल्टा भी आपको याद है और बीच में से कहीं भी पूछो। यही कमाल है ब्रेन साइंस का कि ये एक सेपरेट इंडिपेंडेंट पावरफुल मेमोरी जनरेट करता है। यहां पर आपके पास दो मेमोरी है, एक जो आपके कोड है और दूसरा जो नाम आपने पिक्चर के तौर पे याद किया है।
इन दोनों में से एक चीज एग्जाम में या पूछे जाने पर जरूर बताई जाएगी, एसोसिएशन की वजह से दूसरी अपने आप याद आएगी। ये शेप मेथड का कमाल है, इसे आप 20 पॉइंट के किसी भी आंसर को याद करने में यूज कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ जिसमें 20 इंपॉर्टेंट टर्म्स हो उनको याद करने में यूज कर सकते हैं, इसी तरह कोई क्रोनोलॉजिकल या सीक्वेंशियल ऑर्डर हो इसे आप याद करने में यूज कर सकते हैं, या फिर आप खुद अपनी पढ़ाई में जहां आपका मन करे वहां अप्लाई करके देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, अगली बार मैं फिर मिलूंगा एक नए पावरफुल मेथड के साथ। थैंक यू फ्रेंड।